हमारी होती रोड होता तो आता हम वहाँ पहुँच जाते स्वास्थ्य केंद्र। भले ही उत्तराखंड को बने 20 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी पहाड़ों के लोग काफी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमने पहले भी अपने वीडियोस में आपको पहाड़ों की स्थिति से रूबरू करवाया है। जी हाँ, गैरसैंड का वीडियो हमने आपको दिखाया था जिसमें कुछ लोग 7 किलोमीटर दूर से एक मरीज को कंधों पर उठाकर हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। यही नहीं, हमने उत्तराखंड में विकास को लेकर जनता की राय भी आप तक पहुँचाई है और आज भी हम आपको उत्तराखंड की एक ऐसी वीडियो दिखाने वाले हैं जो बिल्कुल चौंकाने वाली है। देश के कोने कोने से लोग पहाड़ों में घूमने आते हैं। पहाड़ों की सुंदरता लोगों को आकर्षित करती है लेकिन यहाँ देखिए कि पहाड़ों की इस खूबसूरती के पीछे यहाँ रहने वाले लोगों को क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, ये वीडियो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र अल्मोड़ा का, जहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचने के लिए भी लोगों के पास सुविधाएं नहीं है। सोचिए, अगर यहाँ के किसी मरीज को उठाकर ले जाने वाले 4 लोग ना हो तो ऐसे में उसका क्या हाल होगा। जहाँ ऐसी हालत में मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना चाहिए, वही यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग है। यहाँ तो अस्पताल पहुँचने में ही मरीज की हालत खराब हो जाती है। पक्की सड़क न होने से अल्मोड़ा के लोगों में सरकार के लिए बहुत आक्रोश है। गांव के लोगों की माने तो पलायन की भी यही वजह है। जहाँ सड़क ही पक्की नहीं तो बाकी सुविधाएं तो दूर की बात है। गाड़ी होती रोड होता तो आता हम वहाँ पहुँच जाते स्वास्थ्य केंद्र। अब ये रोड ना होने के कारण इतनी अर्थव्यवस्था हो गई यहाँ पर। गांव में आदमी है कोई, इधर उधर गांव से आदमी बुलाए, दूरी से बुलाए, घरसारी से बुलाए, हमारे इधर पड़ोस में आई है इसी वजह से पलायन हो रहा है रोड के कारण। वही बात करें उत्तराखंड सरकार की तो देखने वाली बात ये होगी कि नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहाड़ों में विकास के लिए क्या कदम उठाते हैं। जहां अगले चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के पास काफी कम समय रह गया है, वहीं देखने वाली बात ये होगी कि वे इन चुनौतियों के साथ प्रदेश का कितना विकास कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।